हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस विद गुरुजी के ऊपर। दोस्तों, मौलिक अधिकार का लेक्चर चल रहा था, जिसके पिछले वीडियोस में हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। जितने भी 6 मौलिक अधिकार थे तो 5 हो चुका था। इसके पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था दोस्तों, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। आज हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों, इसके बाद अगला एक वीडियो आएगा, जिसमें जो बचा हुआ आर्टिकल रहेगा 33, 34, 35, कल के वीडियो के आने के बाद पूरी तरीके से जो है कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों मौलिक अधिकार का लेक्चर। उसके बाद हम शुरू करेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हम दोस्तों जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण, धार्मिक, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, ये सब हो चुका था दोस्तों। आज हम देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया दोस्तों। उन्होंने कहा यह संविधान की आत्मा और हृदय है। दोस्तों अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस आर्टिकल्स को, किस अनुच्छेद को जो है संविधान की आत्मा और हृदय बताया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 को दोस्तों इन्होंने बताया है। तो ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही कंसेप्चुअल वे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूपीएससी या पीवीसीएस में अक्सर इस तरीके क्वेश्चन आया जा पूछा जाता है दोस्तों। ये याद रखिएगा किसने कहा है, अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय के बारे में, मतलब इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 32 जो है संविधान की आत्मा और हृदय है। अनुच्छेद 32 जो कि मूल अधिकारों का संरक्षण का अधिकार दिया गया है, स्वयं में ही मूल अधिकार है दोस्तों। अगर किसी अधिकारों का वायलेशन होता है, अगर जो आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके अंतर्गत अगर वो आप के साथ वायलेट कर रहा है, अगर वो आपका अधिकार जो है हनन किया जा रहा है, तो आप जा सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन दोस्तों जिस जो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जिस आर्टिकल में कही गई है, वो अपने आप में ही मूल अधिकार है। तो ये जो है मतलब इसको जो है नकारा नहीं जा सकता है। आप जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 जो कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार दिया गया है, स्वयं में ही मूल अधिकार है, ठीक है। आगे दोस्तों, उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षा क्यों गारंटी देने वाला है। मतलब दोस्तों इसलिए इसको गार्जियन कहा जाता है कि संविधान के संरक्षक, मतलब इसको जो है मूल अधिकारों का संरक्षक और गारंटी देने वाला कहा गया है उच्चतम न्यायालय, ठीक है दोस्तों। अधिकारों के हनन पर कोई व्यक्ति बिना अपीली प्रक्रिया के उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। देखिए दोस्तों वही बात की गई है कि मतलब अगर आपके साथ आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप बिना अपील किए आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, जो कि नकारा नहीं जा सकता है, वो खुद ही मूल अधिकार है। अब दोस्तों देखते हैं रिट क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके क्षेत्र क्या है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रिट के अंतर्गत क्या आता है, इससे कितने प्रकार हैं। दोस्तों मेन यही है, रिट ही है, कितने प्रकार रिट इश्यू किए जाते हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है, मूल अधिकार के लिए, उसके संरक्षण के लिए। तो पहले देखते हैं रिट क्या है। यह रिट जो है, रिट अंग्रेजी कानून से लिया गया है, जहाँ इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा जाता था। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता था, जिन्हें अभी न्याय का झरना कहा जाता है। आगे चलकर उच्च न्यायालय ने रिट जारी करना प्रारंभ कर दिया। यह रिट ब्रिटिश लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए असाधारण उपचार थी। ये इसका बैकग्राउंड दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, रिट क्या है ये आप जान लीजिए। अब देखिए दोस्तों इसके प्रकार क्या, उच्चतम न्यायालय का रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय से 3 प्रकार से भिन्न है। मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो डिफरेंशिएशन है रिट इश्यू करने में, वो क्या है, वो चलिए देखते हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के लिए ही रिट जारी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उच्चतम न्यायालय, वो फंडामेंटल राइट्स के लिए ही, अपने मूल अधिकारों के लिए ही रिट जारी कर सकता है। वहीं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, इसके अलावा भी किसी और उद्देश्य, मतलब इसके अलावा और किसी उद्देश्य के लिए भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। इस तरह उच्चतम न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है। मतलब दोस्तों क्वेश्चन भी आया है, पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय का जो रिट अधिकार है वो क्या उच्च न्यायालय से ज़्यादा है कम है। तो दोस्तों कम है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही रिट इशू किया जा सकता है, करता है। जहाँ वहीं आपका उच्च न्यायालय जो है, मतलब उच्च न्यायालय जो है वो फंडामेंटल राइट्स, मतलब मूल अधिकार के अलावा भी किसी और उद्देश्य के लिए रिट इश्यू कर सकता है। तो उच्चतम न्यायालय का जो रिट संबंधी न्यायिक अधिकार है वो उच्च न्यायालय से कम है, ठीक है दोस्तों, कम विस्तृत है। उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है।
जबकि उच्च न्यायालय से संबंधित राज्य के व्यक्ति अपने क्षेत्र के राज्य को ही यदि मामला दूसरे से संबंधित हो तो वहाँ के खिलाफ भी जारी कर सकता है। मतलब दोस्तों उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है कहीं भी, ठीक है। उच्चतम न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट, वो अपने संबंधित राज्य के व्यक्ति या क्षेत्र के राज्य यदि मामला दूसरे से संबंधित हो तो उस वहाँ के खिलाफ भी जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 स्वयं मूल अधिकार है, तो उच्चतम न्यायालय इसलिए रिट याचिका को नकार नहीं सकता है। देखिए दोस्तों ये पहले भी बताया था कि मतलब अनुच्छेद 32 स्वयं में ही मूल अधिकार है, तो उच्चतम न्यायालय इसलिए इस रिट को जो है याचिका को नकार नहीं सकता है। दूसरी ओर अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट में 226 की बात की गई है दोस्तों, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार का संरक्षण की बात हाई कोर्ट करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट संबंधित क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। मतलब दोस्तों अनुच्छेद 32 क्योंकि मूल अधिकार है तो उच्चतम न्यायालय उसको नकार नहीं सकता है। वहीं 226 जो है वो मतलब समझ लीजिए तहत उच्च न्यायालय रिट संबंधित क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार नहीं सकता क्योंकि वो मतलब उसमें मूल अधिकार में नहीं आता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों से संबंध में उच्च न्यायालय को प्राप्त अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति प्रदान नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक और गारंटी देने वाला कहा बनाया गया है। मतलब दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि मतलब अनुच्छेद 226 के तहत कोर्ट जो है वे अपने विवेक के अनुसार वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बिना अपील लिए, ठीक है। वैसे 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, संबंधित अधिकारों संबंधित वैसे हाई कोर्ट में जाना मतलब दिया गया बताया गया कि आप जा सकते हैं वहाँ पर। लेकिन वहीं जहाँ पर रिट जो है याचिका को एक्सेप्ट करने की बात है तो सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो रिजेक्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, विवेकानुसार है उसके आर्टिकल 226 के तहत। इसीलिए उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है, क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 32 से 226 में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के रिट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें क्लियर हो जाएगा पूरा। अनुच्छेद 32 एवं 226 में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ये क्या है दोस्तों? लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्रस्तुत किया जाए, मतलब उसको प्रस्तुत किया जाए, कोर्ट कहता है। इसमें किसी को अगर हिरासत में रखा गया है तो उसे प्रस्तुत करने से संबंधित रिट है। मतलब ये रिट तब इश्यू किया जाता है जब किसी को हिरासत में लिया जाता है और उसको प्रस्तुत करने की बात की जाती है। इसमें उसे तुरंत न्यायालय के सामने हाजिर करना होता है और अगर उस पर अपराध सिद्ध होता है तभी उसकी हिरासत बढ़ाई जा सकती है, वरना उसे छोड़ दिया जाता है। मतलब दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से अगर हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट कहता है उसको मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए, अगर वो गलत तरीके से उसको अरेस्ट किया गया तो उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। कोर्ट इसे सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी कर सकता है। दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि हैबियस कॉर्पस किसके अगेंस्ट में इश्यू करता है, ठीक है, किया जाता है। तो उस पर सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्तिगत दोनों तरह दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, मतलब जारी किया जाता है। परमादेश दूसरा रिट है दोस्तों, परमादेश मैंडमस, इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है कोर्ट के द्वारा, इस न्यायालय द्वारा एक नियंत्रण है न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। मतलब जो उसके सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी कह सकते हैं, ताकि उनसे उनके कार्य और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। मतलब भाई आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है, तो ये सब चीज़ें जो है तब ये आदेश दिया जाता है, परमादेश, तब ये रिट इश्यू किया जाता है सरकारी अधिकारियों के लिए, ठीक है, कोर्ट करता है। इसमें क्या दोस्तों, यदि यह किसी भी सार्वजनिक इकाई, ठीक है, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण के सरकारी खिलाफ समान उद्देश्य जारी किया जा सकता है। मतलब दोस्तों निगम, सरकारी इकाई, सार्वजनिक इकाई, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, इसे सरकारी खिलाफ जो है समान उद्देश्य जारी किया जा सकता है। दोस्तों अब आ गया प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या है दोस्तों, प्रतिषेध इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अधिक कारणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए जारी किया जाता है। मतलब दोस्तों इसमें क्या करता है, उच्च न्यायालय जो होता है अधीनस्थ न्यायालय को ये कहता है कि भाई आप ये रोक दीजिए, ठीक है, ये कोई कार्य है तो उसको रोकने के लिए बोल देता है वो।
ठीक है, अगर कुछ चीज़ें जैसे प्रतिषेध से संबंधित सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी किया जाता है। मतलब दोस्तों ये जो रिट है ये सिर्फ मतलब न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण ठीक है के विरुद्ध ही जारी किया जाता है। मतलब इसमें कुछ कुछ रीज़न होता है, कुछ वजह होता है, कुछ काम होता है जो उच्च न्यायालय कहता है कि भैया इसको रोक दिया जाए, हम जो है मना करते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अधिकारों से अपने न्याय क्षेत्र में उचित न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब भाई दोस्तों देखते हैं उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण सर्टियोरी, इसका मतलब होता है दोस्तों प्रमाणित होना या सूचना देना। इसका मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना, मतलब उसको हम प्रमाणित करते हैं या सूचना देते हैं। इसमें क्या होता है, इसे उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों या प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जाता था, लेकिन 1991 से इसे प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किए जाने लगा है। यह विधिक निकायों या निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। इसमें कोर्ट किसी सरकारी प्रक्रिया से जुड़ी पूछताछ करता है और लंबित मामले के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी कर सकता है। मतलब दोस्तों इसमें क्या है कि जो उच्च न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालयों या प्राधिकरणों, और इसके साथ साथ 1991 में इसको शामिल कर लिया गया प्रशासनिक प्राधिकरण को भी। तो इन इन ये जो सब ये जो जो है प्रशासनिक प्राधिकरण अधीनस्थ ठीक है और प्राधिकरण, इन लोगों के खिलाफ जो है उच्च न्यायालय रिट इशू करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पूछ कहता है भैया जो लंबित मामला है उसको जो है स्थानांतरण किया जाए या उसके खिलाफ उसके लिए जो है ये सीधा पत्र जारी कर देता है वो। लेकिन ये जो रिट है दोस्तों ये निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकरण और प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ ही जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों लास्ट है अधिकार परिचय, क्यू वारंटो, ठीक है, ये सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है किसी पद पर बैठा हुआ सरकारी कर्मचारी उस पद पर बने रहने के योग्य भी है या नहीं। जिसके खिलाफ यह रिट जारी हुई है उसे साबित करना पड़ता है कि वह पद जिस उसने गैरकानूनी तरीके से हासिल नहीं किया है। ज़रूरी भी नहीं कि कोई पीड़ित व्यक्ति ही इस रिट को दायर करे, कोई भी जानकारी के लिए भी इसमें अपील कर सकता है। मतलब दोस्तों इसमें ये कहा जा रहा है कि इस रिट के अंतर्गत कोई व्यक्ति गलत जिस पद पर बैठा हुआ, क्या वो गलत तरीके से उस पद पर तो नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, किसी पद पर बैठा हुआ सरकारी कर्मचारी उस पद पर बने रहने योग्य है कि नहीं, मतलब उसके लायक भी है कि नहीं, उसके मतलब उसके योग्य है कि नहीं, मतलब बैठ गया कोई काम धाम कर नहीं पा रहा है तो उसके योग्य है कि नहीं, तो उसके लिए जो रिट इश्यू की जाती है दोस्तों। ठीक है, ये जो है ज़रूरी नहीं कि पीड़ित व्यक्ति ही रिट को दायर करे, कोई भी जानकारी के लिए इसमें अपील कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियोस आपको कैसा लगा, फंडामेंटल राइट्स ऑलमोस्ट कवर ही होने वाला, कंप्लीट होने वाला है। एक वीडियोस और आएगा जो बचा हुआ दो तीन आर्टिकल हैं 32, 34, 35, वो एक वीडियोस में हम कल कवर कर लेंगे। अगला वीडियो जब भी आएगा हो सकता है कल ही आ जाए, जल्दी आ जाए। तो दोस्तों आप बने रहिए, और ये वीडियोस कैसा लग रहा है आप प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस कंटिन्यू आते रहें ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू।